मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। 130 करोड़ देशवासी, यही हमारे परमात्मा है। उनकी प्रतिष्ठा, उनका पराक्रम, उनकी सेवा के लिए हम जी जान से जुटे हैं। हम रामकृष्ण परमहंस की सीख को जीवन में उतारने वाले रामकृष्ण परमहंस देव ने कहा था, जीव में ही शिव को देखो। हम जीव में ही शिव को देख करके 130 करोड़ देवता रूप देशवासियों की सेवा करने में लगे हुए हैं। हम सबको मिलकर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों के सपनों को, उन सपनों को साकार करते हुए सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। वो सोनार बांग्ला जहां बंगाल के स्वर्णिम गौरव का समावेश होगा और आत्मनिर्भर का सामर्थ्य होगा। वो सोनार बांग्ला जहां हर गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसान भाई बंधु एक सम्मानित जीवन जिए। वो सोनार बांग्ला जहां की मां, बहन, बेटी सब सुरक्षित और भय मुक्त रहे। वो सोनार बांग्ला जहां के युवाओं के पास शिक्षा और रोजगार के भरपूर अवसर हो। वो सोनार बांग्ला जहां उद्योगों की कोई कमी न हो। वो सोनार बांग्ला जहां तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट जैसे भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह न हो। वो सोनार बांग्ला जहां गुंडे, अपराधी, उग्रवादियों की जगह जेल में हो, सड़कों पर न हो। वो सोनार बांग्ला जहां सबके पास एक आवास हो, हर घर सब जाल पहुंचे, आयुष्मान भारत का साथ रहे। आज पूरा बंगाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इसी सोनार बांग्ला के पुनर्निर्माण के लिए संकल्पबद्ध है। मैं देख रहा हूं बंगाल की यह धरती सोनार बांग्ला का अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए अब यह तय हो गया है 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे, 2 मई दीदी जाचे। आसल परिवर्तन आछे, आसल परिवर्तन आछे। इस बार भय नहीं सिर्फ जॉय, भय नहीं सिर्फ जॉय, पश्चिम बंगाल मानुषेर जॉय। इस बार जोर से छाप कमल छाप, इस बार जोर से छाप कमल छाप। आपका एक एक वोट डबल इंजन की ताकत बनेगा। कमल छाप पर पड़ा हर वोट आसोल परिवर्तन लाएगा, सोनार बांग्ला का निर्माण करेगा। बंगाल के एक एक व्यक्ति को याद रखना है, ये समय अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का समय है। ये हमारे बंगाल को कुशासन से मुक्त करने का समय है। ये दमनकारी, अत्याचारी शासन से बंगाल को मुक्त करने का समय है। ये अपने आदर्शों और विचारों के लिए पूरी ताकत लगा देने का समय है। आपके पास सुनहरा अवसर है आपने राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का। हम बस मंजिल तक पहुंच गए हैं, मंजिल तक पहुंच गए हैं। आसोल परिवर्तन के संकल्प के साथ हम यहां से अपने गांव, अपने घर जाएंगे और घर घर ये संदेश पहुंचाएंगे, एक एक परिवार तक पहुंचाएंगे।